नित्य हम ये भी चाहते हैं कि सावी उनके साथ रहें। अरे क्या अरे? क्या कर रहा है? कहाँ चले लक्ष्मण भैया? ज़्यादा हो गया वो, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हुआ घर जा रहे, इससे बड़े खुशी का दिन और क्या होगा। वैसे माँ आपको नहीं लगता कितना मजा आता है अमीर लोगों को चौल में देख के? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब मेरी प्यारी माँ, अगर इतनी गर्मी में इतने बड़े पत्थर पे मसाले पीसती रहेगी तो ये देखता रहूंगा, है ना? और हमारी प्यारी बचपन से प्रिंसेस की तरह बड़ी हुई, एक रुमाल तो फोल्ड नहीं कर सकती, यहाँ पे बर्तन घिस रही है, कपड़े धो रही है। अगर एक बार हम घर चले गए तो ये फिर से मुझे छोड़ के चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल चलूंगी। अब सावी अपनी सवारी को अकेले थोड़ी छोड़ सकती है ना? काफी दिनों के बाद में आज घर के अंदर एक खुशी वाला एक हैप्पी मोमेंट आया है, जहाँ पे सब लोग खुश हैं। यार बस ये नजर ना लगे, हाँ मुझे बड़ा ऐसे, मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ जब भी कोई ऐसा बोलता है बड़ा हैप्पी मोमेंट आया आपकी फैमिली का, बड़ी हैप्पी फैमिली लग रही है आपकी। हम चाहते हैं भाई कि हम हंसी खुशी रहें, हर दिन उठें परिवार के साथ, गाना गाएं, डांस करें, काम धंधा भी करें, मतलब खाएंगे क्या, पैसे भी। और अब तो नित्य हम ये भी चाहते हैं कि सावी उनके साथ रहें, तो ये सब है। लेकिन इस सबसे ऊपर एक कहानी है आज की, जो मुझे बहुत मज़ा आया, जो सीन्स इस बार जो स्टोरी लिख के आई वो कमाल की है। और क्योंकि मैं इतना रिच यहाँ बन चुका हूँ कि अब वो अब ऐसा लगता है यार ये चौल में आके भी मतलब मज़ा। आप लोग ये बताइए कितना मज़ा आता है अमीर लोगों को चौल में देख के? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा। मतलब वही कपड़े, वही सारा अपना जो एक रहने का तरीका है, और चौल में थाट चौल में लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। सोनम क्योंकि दालमिया रंग में पूरी तरह से ढल चुकी हैं, तो उन्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चले जाएंगे वापस। बट आप क्या कहेंगे नितिन, कहीं ना कहीं भाई के लिए जो अपनी जो त्याग दिया है, जो अब जो रिस्पांस मिल रहा है फैमिली की तरफ से। अरे भाई के साथ रहने का मतलब ये था कि सावी भी साथ थी, और नित्यम तो चाहते हैं ना कि अब सावी साथ हो, तो उनके हर एक बात में, हर एक लाइन में, हर एक जज्बात में ये है कि सावी बोलती हैं कि शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं बोलता हूँ कि टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, टाइम दे देंगे, बहुत टाइम है हमारे पास। क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि रक्षम भैया और सावी दोनों के साथ रुकने मिल जाए, क्योंकि अगर एक बार हम घर चले गए तो ये फिर से मुझे छोड़ के चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। और डिवोर्स का भी वो 6 महीने मैंने एक्सटेंड करवाए थे, 3 महीने और, तो शायद वो डेट भी आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब उसके मन में चल रहा है, लेकिन वो चाहता है कि फ़िलहाल मैं सब काम धंधा छोड़ के, अपना घर बाहर सब छोड़ के यहाँ इस जगह खुश हूँ, क्योंकि आप सब हो मेरे साथ। और हमारे दादू खुद को ह्यूमन समझते हैं, घर से बहुत ताकत है, लेकिन यहाँ पे इस उम्र में गद्दे उठा रहे हैं, हर चीज की हसूती ना सर, क्या करें, मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी। और हमारे हिमेश चाचू, इन्हें लगता है इन्होंने एक्सरसाइज करने का एक नया तरीका अपनाया है। क्या क्या अपनाया था? हाँ, 8 बार 8 बाल्टी में पानी भरना। उसका क्या गिर गया?